अपील तो बाहर नहीं आवे। केजरीवाल हाई कोर्ट ने बेल से रोक जारी रखी, कहा ट्रायल कोर्ट के दस्तावेजा दलील सही ढंग नहीं हो गया। देश पहली बार होगी लोकसभा स्पीकर की चोन, एनडीए के ओम बिरला खिलाफ इंडिया ने के सुरेश उतारिया। राहुल बोले जे सानू दिन दे डेप्टी का अहुदा तो उतार दे। लोकसभा स्पीकर की चोन लेके मोदी सरकार का विरोधी निशाना, पीयूष गोयल बोले कांग्रेस की शर्त वाली सियासत ठीक नहीं, किसी एक पार्टी का नहीं होंगे स्पीकर से डेप्टी स्पीकर। पंजाब के संसद मैंबर ने लोकसभा चुकी सौरन दावा, बड़े चन्नी सने कांग्रेस के सात एमपी ने लिया हलफ, आप दे मीत क्लियर कंग अते चब्बेवाल ने लई ओथ, हरसिमरत बादल अते आजाद जिते सरबजीत खालसा ने भी चुकी सौ। अमृतपाल सिंह ने नहीं चुकी सांसद वजो सौ, खडूर साहब तो चोट जिते ने अमृतपाल फिलहाल डिब्रूगढ़ जेल च ने बंद। आप सांसदों नूं मिले मुख्यमंत्री भगवंत मान, संसद भवन च ही तिन्नां नाल कीती मुलाकात, बोले पंजाब दी जोर शोर नाल चुकी जावेगी आवाज़। चुनाव नतीजियां तो बाद अकाली दल दा आत्ममंथन, जिला प्रधान ते हलका इंचार्जा नाल मीटिंग कर रहे सुखबीर सिंह बादल, नतीजियां नूं लैके कीती जा रही चर्चा। एमरजेंसी दे 49 साल पूरे होण ते बीजेपी ने देश भर च मनाया ब्लैक डे, पीएम मोदी बोले हुकूमत ते काबज रहण लई कांग्रेस ने कुचल दिता सी संविधान, देश नूं जेल खाने च कीता सी तब्दील। लुधियान शख्स ने थाने च वड़ के पुलिस ते कीता हमला, तेज हथियारां नाल दो कर्मचारियों नूं जख्मी कीता, मानसिक तौर ते परेशान दस्सिया जा रहा मुलज़िम। ऐलान ते मॉल च टॉय ट्रेन हादसे तो बाद एक्शन च पंजाब पुलिस, मोहाली दे बेस्टेक स्क्वायर मॉल च कीती चेकिंग, किड जोन च सेफ्टी नूं लैके लिया जायजा। जम्मू तो माता वैष्णो देवी पवन लई सिद्धी, हैलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत, सिर्फ 15 मिनट जम्मू तो पवन तक पहुंचेंगे भगत, तीर्थ यात्रा बोर्ड दे रहा दो पैकेज। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर, न्यूज 18 पंजाब नाल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करांगे ते गल करांगे आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल नूं हाई कोर्ट तो एक बड़ा झटका लगा है, जेल तो बाहर नहीं आउणगे अरविंद केजरीवाल। इस वेले दी वड्डी खबर का जिक्र कर रहे हैं, केजरीवाल की जमानत से रोक लगा दी गई है दिल्ली हाई कोर्ट के वलों। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की बेल से जो रोक जो है वो जारी रखी है, ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर से हाई कोर्ट ने जो रोक जारी रखी है, हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले से कई तरह के सवाल या निशान भी खड़े किए ने, कई तरह के सवाल भी चुके ने। हाई कोर्ट ने कहा है कि ईडी नूं बहस करने लई समां देना चाहिदा सी, जो लोअर कोर्ट के वालों ईडी समान नहीं दिता गया, ईडी के पक्ष तो दुर्भावना वाली कोई गल नजर नहीं आती, हाई कोर्ट के वालों अहम टिप्पणियां की गई। ट्रायल कोर्ट को हाई कोर्ट तो एंड ओपीनियन नहीं देना चाहिए, दस्तावेजा दलीलों सही ढंग नहीं देखा गया। दिल्ली हाई कोर्ट के वालों इस तमाम मुद्दे मुसले को लेकर 21 तारीख को आ पूरे मसले पर चर्चा हुई थी, हालांकि जो फैसला से वो दिल्ली हाई कोर्ट के वालों सुरक्षित यानी कि राखवा रख लिया गया। आज दिल्ली हाई कोर्ट के वालों कुछ ही देर पहला फैसला सुनाया, जेल तो बाहर नहीं आउणगे अरविंद केजरीवाल, केजरीवाल की जमानत से रोक जारी रहेगी। काबिले गौर है कि 20 जून को दिल्ली की राउज एवन्यू कोर्ट के वालों अरविंद केजरीवाल को रेगुलर बेल दी गई थी, हालांकि राउज एवन्यू कोर्ट के वालों बड़ियां टिप्पणियां भी की गई। पहली वड्डी टिप्पणी की गई थी कि जो ईडी है वह पक्षपाती है, ईडी बायस्ड है। दूसरी वड्डी टिप्पणी की गई थी कि जो ईडी है 60 करोड़ की मनी ट्रेल साबित नहीं कर पाई। तीजी वड्डी टिप्पणी की गई थी कि विजय नायर अरविंद केजरीवाल के इशारे से काम कर रहे हैं, आ भी ईडी साबित नहीं कर पाई। तो चोणां च पैसे की वरतों हुई, आ भी ईडी पे जो है पूरा जो जांच नहीं कर पाई, जिसके चलते वड्डियां टिप्पणियां राउज एवन्यू कोर्ट के वालों की गई से। इस तमाम मुद्दे लैके मसले लैके इस तमाम केस में लैके ईडी अगले दिन 21 जून को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करती है। दिल्ली हाई कोर्ट के वालों अपना जो है फैसला सुनाया जाना, उन्होंने कहा है कि जब तक इस पूरे मामले लेके सुनवाई नहीं होती, जब तक लोअर कोर्ट के ऑर्डर नहीं आते, असी उसको पढ़ नहीं लेंगे, उदों तक आज जो फैसला नहीं सुनाया जाएगा, उदों तक अरविंद केजरीवाल की रेगुलर बेल से रोक लगाई जाएगी। आज दिल्ली हाई कोर्ट के वालों फैसला सुनाया गया, जिसको लेके आ टिप्पणी हाई कोर्ट के वालों की गई है कि ईडी नूं बहस करने लई समां देना चाहिए सी, ईडी के पक्ष तो दुर्भावना वाली कोई गल नजर नहीं आती। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल नूं वड्डा झटका एक बार फिर तो हाई कोर्ट लगा है। काबिले गौर है कि इस पूरे मामले लेके जो अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम है उसने सुप्रीम कोर्ट का विरोध किया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के वालों
आही कहा गया सीगा कि पहला हाई कोर्ट का फैसला आन दो, यानी कि कल 26 जून है। इस पूरे मामले लेके सुप्रीम कोर्ट च भी अहम सुनवाई होनी है। अरविंद केजरीवाल नु दिल्ली हाई कोर्ट तो वड्डा झटका लग गया है। अरविंद केजरीवाल जेल च ही रहेंगे। काबिले गौर है कि 21 मार्च नु अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई सी, जो ईडी 10वां समन लेके पहुंचती। हालांकि पूछ पड़ताल 2 घंटे की कीती जाती है, उस तो बाद गिरफ्तारी पा दी जाती है। 10 दिनों की जो रिमांड ईडी हासिल करता है, पूछ पड़ताल की जाती है। 1 अप्रैल तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली की तिहाड़ जेल से बाहर निकले। गौर है कि अरविंद केजरीवाल इंटरिम बेल भी 10 मई को दी थी। हालांकि वो जो बेल से इंटरिम बेल अग्रिम जमानत वो 20 दिन की सी, 2 जून उन्होंने वालों सरेंडर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च अदालत के वालों वो एंट्रीम बेल दी गई थी। हालांकि चौणा के मद्देनजर वो बेल दी गई थी, 20 दिन की वो बेल थी। इस पूरे मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम के वालों सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोअर कोर्ट चाहिए, हाउस एवन्यू कोर्ट ने रेगुलर बेल प्लान कर दी, पर हाई कोर्ट ने इस बेल से रोक लगा दी। हाई कोर्ट का मानना है कि निचले जज साहब ने ना तो डॉक्यूमेंट पढ़े, ना उन्होंने अपना ब्रेन अप्लाई किया, माइंड अप्लाई किया, और बिना उन्होंने सोचे समझे ये जमानत दी है। माननीय हाई कोर्ट का ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ शराब घोटाले के पुख्ता सबूत हैं, पैसे के लेन देन के सबूत हैं, किस तरह से उन्होंने पैसा अपने निजी लिए इस्तेमाल किया इसके भी सबूत हैं। और मैं बार बार कहता आया हूं, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लालू प्रसाद यादव जी के बाद सबसे लंबे समय जेल में रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने एक घोटाला नहीं किया, अभी तो एक घोटाले का हिसाब शुरू हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी ने अनेक ऐसे घोटाले किए हैं, इसलिए आज से कोर्ट की जजमेंट के बाद एक बात स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्ट है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट तो वड्डा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल देने तो इनकार कर दिया है। हालांकि वही जो फैसले पे रोक लगाई गई है, कोर्ट ने कहा है कि दलीलों नु सही ढंग दे नाल जो लोअर कोर्ट च बहस नहीं हुई, इसलिए दिल्ली की राउज एवन्यू कोर्ट के फैसले नु हाई कोर्ट रद्द करता है। हालांकि ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी पे विचार नहीं किया जा सकता, आप पूरी तरीके नाल अनुचित है, हाई कोर्ट की टिप्पणी सामने आई है। हाई कोर्ट ने कहा है कि आ दर्शांदा है कि ट्रायल कोर्ट जो डॉक्यूमेंट सिगे उस च दिमाग नहीं लगाया गया, ते वड्डियां टिप्पणियां हाई कोर्ट दे वलो कहा गया। दस के अदालत ने ईडी नु जमानत आवेदन देने तो बहस दे पर्याप्त अवसर ईडी नु यानी कि नहीं दिता गया। इस दे विचाले दस दिए कि जो आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल नु दिल्ली हाई कोर्ट तो राहत नहीं मिली। दस के सुप्रीम कोर्ट इस आदेश नु चुनौती दवांगे, चैलेंज करवांगे आम आदमी पार्टी के लीडर्स का बयान सामने। हालांकि इस पूरे मामले लेके कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई भी है, 26 जून है कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई है। हाई कोर्ट दे आज तमाम आदेश आया है, कितना किते इस तो असंतुष्ट ने असहमत ने आम आदमी पार्टी के तमाम लीडर्स ते सुप्रीम कोर्ट इस आदेश नु इस पूरे फैसले नु हाई कोर्ट दे नु चुनौती दी जाएगी, चैलेंज किया जाएगा। दस दिए कि बेल दे आदेश नु इस तरीके दे नाल रोकिया नहीं जा सकता, आज कल सुप्रीम कोर्ट च मान्या है ते आ तमाम जो मुद्दा है मसला है कल सुप्रीम कोर्ट च विचारा जाएगा। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले लेके सुनवाई होनी है। हालांकि जितने भी तमाम आम आदमी पार्टी के आगू ने लीडर्स ने उन्होंने कहना है कि असी हाई कोर्ट के इस फैसले तो असंतुष्ट यानी कि सैटिस्फाइड नहीं है। इस पूरे मसले को लेके कल दिल्ली की जो माफ करना देश की जो सर्वोच्च अदालत है उससे सुनवाई होगी। हालांकि हाई कोर्ट ने जो रेगुलर बेल ग्रांट की थी राउज एवन्यू कोर्ट के वालों उससे रोक लगा दी है। तो बड़िया टिप्पणियां हाई कोर्ट के वालों कीतिया गई ने, जिसका कहना है कि लोअर कोर्ट यानी कि राउज एवन्यू कोर्ट के वालों तमाम जो डॉक्यूमेंट सके वो सही तरीके नाल पढ़े नहीं गए। आ भी हाई कोर्ट के वालों टिप्पणी की गई है कि ईडी नु पर्याप्त यानी कि बंदा समा ईडी नु नहीं दिता गया। ते कह सकने कि आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल एक बार फिर तो हाई कोर्ट तो वड्डा झटका लग्या। हाई कोर्ट ने केजरीवाल दी बेल ते रोक जारी रखी है, ट्रायल कोर्ट दे ऑर्डर ते हाई कोर्ट ने जो रोक जारी रखी है, हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट दे फैसले ते कई तरह दे सवालिया निशान खड़े किए ने। हाई कोर्ट ने कहा कि ईडी नु बहस करने लई समा नहीं दिता गया, प्रॉपर टाइम उन्हां नु नहीं दिता गया, कल ही उन्हां दे वल्लों आ फैसला सुनाया गया है। ईडी दे पक्ष ते दुर्भावना वाली कोई गल नजर नहीं आंदी। हाई कोर्ट ने कहा है कि दस्तावेजा ते दलीलां नु सही ढंग दे नाल कोख्या नहीं गया। लोअर अदालत दे वल्लों यानी कि राउज एवन्यू कोर्ट दे वल्लों ट्रायल कोर्ट नु हाई कोर्ट तो एंड ओपिनियन नहीं देना चाहिदा सी, यानी कि और ओपिनियन दिता गया, कितना किते हाई कोर्ट दे वल्लों तमाम टिप्पणियां कीतियां गईयां। आज जो फैसला
हाई कोर्ट दे वलों सुनाया गया है कितना कितने जो आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने ओ इस फैसले नाल असंतुष्टि यानी कि सहमत नहीं ने इस पूरे मामले लेके जो दिल्ली हाई कोर्ट दे वलों फैसला सुनाया गया है आप पूरे फैसले नो कल सुप्रीम कोर्ट च चुनौती दी जाएगी यानी कि चैलेंज किया जाएगा। हालांकि 20 जून को दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट दे वलों अरविंद केजरीवाल नु रेगुलर बेल दी गई सी। अगले ही दिन दस दिए कि ईडी हाई कोर्ट पहुंची, हाई कोर्ट दे वलों रेगुलर बेल ते रोक लगा दी। अरविंद केजरीवाल नु वड्डा झटका लगा, अरविंद केजरीवाल नु दिल्ली हाई कोर्ट तो कोई भी राहत नहीं मिली है। दस दिए कि गिरफ्तारी जैसी गल करेंगे ग्राफिक जरिए 21 मार्च नु अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि जो ईडी है 10वां समन लेके पहुंची सी, 2 घंटे दी पूछ पड़ताल तो बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पाली गई सी। 1 अप्रैल तक जो रिमांड हासिल किया गया सका ईडी दे वलों, उस तो बाद 1 अप्रैल नु अरविंद केजरीवाल नु जुडिशियल कस्टडी च भेज दिता गया सी। उस तो बाद जिक्र करिए 10 मई नु एंट्रीम बेल यानी कि अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल नु दिल्ली जो सर्वोच्च अदालत है सुप्रीम कोर्ट ओदे वल्लों दित्ती गई सी। 20 दिनां दी आर इंटरिम बेल दित्ती गई सी। हालांकि जेल वापसी 2 जून नु हुई यानी कि 2 जून नु अरविंद केजरीवाल नु सरेंडर करना सी। तिहार जेल च 20 जून नु दोबारा तो सुनवाई हुंदी है दिल्ली दी राउज एवेन्यू कोर्ट च, पर 20 जून नु राउज एवेन्यू कोर्ट अरविंद केजरीवाल नु रेगुलर बेल ग्रांट कर दिंदी है, जिस नु लेके अगले ही दिन 21 जून नु ईडी हाई कोर्ट दा रुख करदी है ते हाई कोर्ट इस तमाम रेगुलर बेल ते रोक ला जांदी है। अज 25 तारीख है, जमानत पे रोक जारी रहेगी। आ हाई कोर्ट दा बड़ा फैसला सामने आया है। बिना मेरे सहयोगी शंकर आनंद फोन लाइन से जुड़े हुए ने। शंकर, आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका और कह सकते हैं कि जो आप लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं असहमत में, उनका कहना है कि इस तमाम फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। निश्चित तौर पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के द्वारा इस मामले को चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आज इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है, एक कहा जा सकता है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका लगा है। और फिलहाल जो है अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही होंगे, तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आएंगे। हालांकि जिस तरह से निचली अदालत के द्वारा उन्हें जमानत दी गई थी, लेकिन उस मामले को आधार बनाते हुए जिस तरह से फिर बाद में ईडी की टीम हाईकोर्ट गई और हाईकोर्ट में जाने के बाद इस मामले पे अपील की और उन तमाम सबूतों के बारे में बताया गया, उन तमाम दस्तावेजों के बारे में बताया गया कि किस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हैं। और इस मामले पर जिस तरह से जस्टिस सुधीर कुमार जैन की एकल बेंच ने आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है और 20 जून को निचली अदालत से मिली जमानत के फैसले के खिलाफ दाखिल ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट जो है इस मामले पर सुनवाई कर रही थी। और 21 जून को दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर जिस तरह से अंतरिम रोक लगाया था, तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज उस मामले विस्तार से एक फैसला सुनाते हुए मैं आपके पास दोबारा से आऊंगी। सर नाल जो आम आदमी पार्टी के आगू नील गर्ग जुड़े हुए हैं, सर बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा न्यूज 18 पंजाब से। उन्हें फैसला सुनाया गया है दिल्ली हाईकोर्ट के वालों, आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की बेल से रोक जारी रहेगी, इस फैसले को कैसे देखते हो? देखो मैडम, एक कानूनी प्रक्रिया हैगी है। देखो असी कोर्ट्स का मान सम्मान करते हैं, पर असी इस फैसले के नाल सहमत नहीं है। ऑफकोर्स असी इस फैसले के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट के जावे, बल्कि असं पहले ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के जा चुके हैं, जिंद की सुनवाई कल होनी हैगी है। क्योंकि निचली अदालत के ट्रायल कोर्ट के जोड़ा है जमानत होने का मतलब यही होंगे है कि इनवैसटीगेशन एजेंसी के कोल तुहाडे खिलाफ कुछ नहीं है। क्योंकि तुम देखो कोई केस नवा तो है नहीं है, पिछले 2 सालों तो लगातार साढ़े बहुत सारे लीडर फड़ के असं लगातार यही चीज़ कहते रहे हैं कि बेगुनाह ने बेकसूर ने एक मन घड़ंत घटक कहानी के उत्ते और बीजेपी दी डायरेक्शन के उत्ते जिहड़ियां इनवैसटीगेशन एजेंसियां ने ईडी है सीबीआई है एक केस तैयार कर दिया अपने विरोधियों नू परेशान करने वास्ते। जेकर इन्हां कोले कुछ हुंदा तो घपला गया कितों, स्कैम गया कितों, पैसा क्यों नहीं मिलिया? और हालांकि ईडी वालों ये कहा गया कि उन्होंने सुनिया नहीं गया, पर जो तुम डिटेल ऑर्डर जोड़ा है निचली अदालत के ट्रायल कोर्ट का तुम पढ़ते हो, उत्थे एम्पल टाइम उन्होंने को सारा कुछ उन्होंने सुनिया गया, सब कुछ किया गया। सो नैचुरली सुप्रीम कोर्ट ने भी कल जो अपने उस टिप्पणी के आख्या कि बेल ऑर्डर रोकया नहीं जा सकता, बट क्योंकि ऑलरेडी हाईकोर्ट के केस है इस करके पहले तुम उत्थे जाओ, उन्होंने फैसला आन दो, दैन जोड़ा है इस उत्ते फैसला लैन। क्यों साढ़े को प्रोविजन सानू यह प्रिवलेज हासिल हैगी है कि असं नैचुरली है कानूनी रेमडी लेंदे हुए सुप्रीम कोर्ट के जावे। नहीं नील जी, हाई कोर्ट दे वल्लों टिप्पणी की गई है कि ईडी नूं प्रॉपर टाइम नहीं दिता गया, जो डॉक्यूमेंट्स थे तमाम वो सही तरीके नाल पढ़े नहीं गए।
ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟੇਲਡ ਆਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੈਰੇਗ੍ਰਾਫਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨੀਲ ਗਰਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਮਾਮ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬੇਲ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਆਪ ਜੋ ਨੇ ਆਗੂ ਨੀਲ ਗਰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵੋੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜੋ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ 25 ਜੂਨ ਹੈ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵੋੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਮਾਮ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਜਗਨੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯਾਪਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਮਾਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਆਪ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਹੈ ਉਸਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।